हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई इम्पोर्टेंट काम करते हैं या फिर हम कोई चैलेंजिंग काम करते हैं तो उन कामों में हमें फोकस कंसंट्रेशन की काफ़ी हद तक ज़रूरत होती है, जैसे पढ़ाई करना, एग्ज़ाम की तैयारी करना या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे काम जहां आपको कंसंट्रेट करना होता है लेकिन आप नहीं कर पाते हो। बट दोस्तों, यकीन मानिए, इस वीडियो की सारी बातें फॉलो करने के बाद आपका कंसंट्रेशन 90% तक इम्प्रूव हो जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कीवर्ड टेक्निक के बारे में। ये टेक्निक करने में तो काफ़ी इजी है लेकिन ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इस टेक्निक में बस आपको आपके चल रहे काम से कुछ यूनिक कीवर्ड ढूंढना होता है। इससे होगा क्या कि जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होंगे तो आपको अपने माइंड में उन कीवर्ड्स को बार बार कहना शुरू कर देना है जब तक कि आप चल रहे काम पर वापस नहीं आ जाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि आप पियानो बजाना सीख रहे हो और अचानक आप किसी और चीज़ की वजह से डिस्ट्रैक्ट होने लगते हो तो उस वक्त आपको अपने माइंड में म्यूज़िक कहना शुरू कर देना है बार बार, जब तक कि आप फिर से पियानो बजाना शुरू नहीं कर देते। तो अब आप सभी कहोगे ये तो डिस्ट्रैक्शन को दूर करने के लिए था, फिर इससे हम हमारे कंसंट्रेशन को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? तो दोस्तों, अगर आप अपने कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को हैंडल करते हुए भी आना चाहिए। और दोस्तों, सेकंड जो चीज़ है वो है ऑब्जर्वेशन। अगर आप ऑब्जर्वेशन करते हो तो आपके सोचने का तरीका बदल जाता है, साथ ही साथ आप हर चीज़ को डीप फोकस कर पाओगे। और इसे मैं भी खुद यूज़ करता हूँ। शुरुआत में आपको दिन में कुछ समय किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करना है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई फ़ोटो, वीडियो, पज़ल, कुछ भी। आप अपने करंट वर्क को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको एक पेपर पर लिखना है जिस भी चीज़ के बारे में आप ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आप उसके बारे में लिखना है कैसा, क्या खास है उसमें, क्या ऐसी क्वालिटीज़ है। आप उन सभी चीज़ों को ढूंढ सकते हो। ऐसा करने पर आप हर चीज़ पर डीपली फोकस कर पाओगे। एंड दोस्तों, लास्ट टिप, लिसन म्यूज़िक, जिसका रिज़ल्ट मैंने खुद ने भी देखा है। क्योंकि जब भी हम कोई काम करते हैं या स्टडी करते टाइम अगर आप म्यूज़िक सुनते हो तो ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है जिससे आप अच्छे से अपनी स्टडी पर फोकस कर पाओगे। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्हें काम करते समय म्यूज़िक सुनना पसंद नहीं है, तो मैं उन्हें यही एडवाइस देना चाहूँगा कि आप ऐसे में नेचर साउंड को भी सुन सकते हो, जैसे बर्ड्स की आवाज़, पानी का बहना, इन ऐसे कई सारे नेचर साउंड है जिन्हें आप सुन सकते हैं। और रिसर्च के मुताबिक भी कंसंट्रेशन या कोई भी ऐसा काम जिसमें हमारे माइंड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है तो ऐसे में नेचर साउंड आपके काम को बेहतर बनाता है। और आप जिस भी टाइप का म्यूज़िक सुनते हो वो आपको डिफरेंट भी बनाता है। लेकिन एक्सपर्ट्स जनरली एग्री करते हैं क्लासिक म्यूज़िक से, क्योंकि उनका मानना है कि बारोक क्लासिक म्यूज़िक और नेचर साउंड, ये दोनों आपकी कंसंट्रेशन पावर को इनक्रीज़ करने में आपकी काफ़ी मदद करता है। और दोस्तों, हमारा चैनल भी आपकी काफ़ी मदद कर सकता है अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, क्योंकि हमारे चैनल पर आगे भी आपको ऐसी ही क्वालिटीज़ वीडियो मिलती रहेगी। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। एंड दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।